अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों को सऊदी डेजर्ट बता रही हूँ, सऊदी स्वीट, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत आसानी से बन जाता है जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं वर्मा से ले ली हूँ। सेवैयाँ हैं ब्राउन कलर की, सेवैयाँ जो हम शुरखुरमे में यूज़ करते हैं। इसको आप अच्छे से इस तरह से क्रश कर लीजिए। 2 कप मैं सेवैयाँ ली हूँ और 1/2 कप बटर। आप बटर के अलावा प्योर घी भी ले सकते हैं, प्योर घी भी लीजिए अगर बटर नहीं लिए तो। और इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे हम 1/2 कप, और 2 पिंच हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर, और पिस्ता गार्निशिंग पे डालेंगे हम। पिस्ता को क्रश कर लीजिए। चलिए पैन में हम बटर डाल देंगे। पैन को आप मीडियम फ्लेम पे रखिए, फुल फ्लेम पे मत रखिए। बटर को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। बटर मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें सेवैयाँ डाल देंगे। अब सेवैयाँ को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कार्डमम डालेंगे पाउडर। थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। सेवैयाँ देखिए ब्राउन हो गई हैं, ज़्यादा ब्राउन मत करिए, इस तरह से रखिए। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे, 1/2 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम एक बॉल में ऐसे निकालेंगे। ये देखिए हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। अब हम एक इस तरह से एक ढक्कन लेंगे, आप दवाई का लीजिए या पेंसिल का जो बच्चों का रहता है उस तरह से लीजिए। इसमें हम इसको डाल देंगे, आप ठंडा होने से पहले, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप डालिए। गरम गरम पे मत डालिए, हाथ जलने का खतरा रहता है, और ज़्यादा ठंडा भी मत डालिए क्योंकि फिर ये नहीं बनते। इसको अच्छे से प्रेस करिए, फिर हम इसको इस तरह से निकाल लें। ये देखिए इसको इस तरह से रखिए, मैं एक और करके बताऊंगी आपको। आप हाथ से इसको अच्छे से प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद आप इसको हल्के हाथों से इसे रख के आप इस तरह से निकाल दीजिए। मैं अब आपको पूरे करके बताऊंगी कि किस तरह से करें। ऐसे बनाकर आप इस तरह से इसको डेकोरेट करिए, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाते, बहुत जल्दी बन जाते हैं। इंशाल्लाह आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को इसके ऊपर से अब हम इश्तार लगाएंगे इसको,
अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, देखिए इस तरह से बनाइए। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। भी हो गया है, अब हम एक इस तरह से एक ढक्कन लेंगे। आप दवाई का लीजिए या पेंसिल का, जो बच्चों का रहता है उस तरह से लीजिए। इसमें हम इसको डाल देंगे। आप ठंडा होने से पहले, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप डालिए। गरम गरम पे मत डालिए, हाथ जलने का खतरा रहता है। और ज़्यादा ठंडा भी मत डालिए क्योंकि फिर ये नहीं बनते। इसको अच्छे से प्रेस करिए, फिर हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से रखिए। मैं एक और करके बताऊंगी आपको। आप हाथ से इसको अच्छे से प्रेस करिए। इसको प्रेस करने के बाद आप इसको हल्के हाथों से इस पे रख के आप इस तरह से निकाल दीजिए। मैं अब आपको पूरे करके बताऊंगी कि किस तरह से करते हैं। इसे बनाकर आप इस तरह से इसको डेकोरेट करिए, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाते, बहुत जल्दी बन जाते हैं। इंशाल्लाह आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को इसके ऊपर से अब हम स्टार लगाएंगे इसको, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, देखिए इस तरह से बनाइए। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।